दोस्तों, अगर आपके पास में इस तरीके का छोटा सा फिश बोल है तो आप इसमें अपनी मछलियों को कैसे रख सकते हैं, कैसे ध्यान दे सकते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता नहीं रहता है और हम गलती से एक फ़िश बोल ख़रीद लेते हैं जिसमें हम गोल्डन फिश डाल देते हैं, तो उसमें गलती ये हो जाती है कि हमारी फ़िश बहुत जल्दी मर जाती है। कहा जाता है कि गोल्डन फिश इज़ नॉट मेंट फॉर द स्मॉल ग्लास ऑफ जार और लाइक स्मॉल एक्वेरियम, इनको थोड़ा बड़े एक्वेरियम में ही रखना चाहिए। हमसे भी थोड़ी गलती हो गई थी शुरू में, हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमने रोड साइड से इस पोश बाल के एक्वेरियम को छोटा सा खरीदा था, इस बोल को, और हमने इसमें दो मछलियाँ डाली थी जिसमें दोनों गोल्डन कलर की मछली थी। अभी आप जो देख रहे हैं वो दूसरी कलर की, जो वाइट कलर की है, ये हम मैंने बाद में डाली है। उसका रीज़न ये है कि जो मेरी पहली जो दो मछलियाँ थी ना, उसमें से एक गोल्डन फिश मेरी मर गई। आप देख सकते हो एक एकदम शांत जो है वो एक्चुअली जो थी ना वो सांस नहीं ले पा रही थी। अब मुझे भी पहली बार पता चला कि पानी में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है फिश को भी। तो बाद में मैंने इसमें तुरंत क्या किया कि मैंने देखा कि जो हमारी मछलियाँ होती हैं ना, वो जब पानी के सरफेस में आती हैं तो वो ना ग्लैपिंग करती हैं, मतलब पानी ऊपर से हवा भी लेती रहती हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि मछलियों को भी काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत जाके शॉप से एक ऐसा छोटा सा एयर पंप ख़रीद लिया था। तो ये एयर पंप डालते ही मेरी मछली काफ़ी एक्टिव हो गई थी। इसमें से एक मछली तो खैर मर गई क्योंकि उसको इन्फेक्शन भी हो गया था और शायद वो पानी के ऑक्सीजन की वजह से मर गई थी। तो मैंने शॉप से एक दूसरी फिश खरीद ली। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो हफ्ते में मैं एक बार इस फिश बोल को पानी से अच्छे से वॉश करती हूँ। इसके जितने भी स्टोन्स हैं उसको मैं अलग से पानी से वॉश करती हूँ। इसके अंदर जो प्लांट है, ये आर्टिफिशियल प्लांट को भी मैं अच्छे से वॉश करती हूँ क्योंकि इसमें एल्गी थोड़ी जम जाती है, और जो हमारा एयर पंप है उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। तो इनको सबको मैं हफ्ते में एक बार अच्छे से वॉश करती हूँ, और मछलियों को मैं एक अलग से बोल में या फिर अलग से मग में डालती हूँ। चलिए अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ कि हम इसकी कैसे मेंटेनेंस करते हैं। तो दोस्तों, जो भी फिश शॉप होगी ना, वहाँ पे इस तरीके का आपको लिक्विड मिल जाएगा। ये क्लोरीन हटाता है वाटर से, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पानी आप कितना भी साफ ले लो उसमें क्लोरीन रहता ही रहता है। और एक ये नेट है जिसमें हम मछलियों को आराम से इसमें डाल सकते हैं, पर याद रखिएगा ये गोल होना चाहिए क्योंकि हमारा जो गोल है वो गोल है, इसलिए उसका ऐसा रिंग सर्कल शेप में होना चाहिए। अब मैं यहाँ बता रही हूँ, यहाँ पे हमने मोटर पंप भी अपना रखा है जिसे एयर पंप कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी थोड़ा पानी में ये लिक्विड डाला है। एक्चुअली ये मैंने पानी को अच्छे से वॉश कर लिया था बोल को अच्छे से, इसमें जो स्टोन है, इसमें जो आर्टिफिशियल प्लांट है, इन सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और पानी को अच्छे से क्लीन करके मैंने इसमें वापस से फ्रेश वाटर डाला है। तो इसमें मैंने क्या किया है, फ्रेश वाटर सिर्फ मैंने 70% डाला है और जो 30% वाटर है वो मैं मग में डाल देती हूँ। और मग में इसलिए डाली हूँ क्योंकि उसमें मेरी मछलियाँ जाएंगी। मछलियों के पानी को ना अलग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो आपके फिश बोल में पानी होता है ऊपर से आप निकाल लीजिए, आप चाहो तो किसी कप के मदद से इस पानी में डाल दीजिए, और फिर इसके बाद थोड़ा आधे घंटे बाद फिर इस फिश को इसमें बोल में डालिए। क्या है, जब हम लिक्विड डालते हैं ना क्लोरीन वाटर साफ करने के लिए, तो वो मछलियों के लिए इतने अच्छे होते नहीं हैं, इसलिए ऑलमोस्ट आधे घंटे तक आप इनको अलग से पानी में रखिए। पानी आपका वही होना चाहिए जो आपके फिश बोल में पहले से पानी रखा था, क्योंकि हम जब भी कोई फ्रेश वाटर डालते हैं ना तो मछलियों को वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उनके पुराने पानी में ही इसे रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें करना क्या है, 30% पुराना पानी रखना है और 70% हमको पानी चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मछलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं जैसे इनको एक अच्छा साफ पानी मिल जाता है। साथ ही साथ हमें इसे एयर पंप में ही चालू कर देना चाहिए। दोस्तों, एयर पंप ना हमारे पानी में बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए एयर पंप को आपको दिन में कम से कम 4 बार और सिर्फ 1 मिनट तक ही चलाइए, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो एयर बबल्स होते हैं वो अच्छा खासा ऑक्सीजन क्रिएट कर देते हैं वाटर में। तो आप ये कोशिश करिएगा कि जो एयर पंप है उसको आपको पूरे दिन में 4 बार, मतलब सुबह, दोपहर, शाम और रात को 1-1 मिनट के लिए चलाना है, तो इससे ऑक्सीजन अच्छा बना रहेगा। अब हम इसको बता देंगे हम
हम इसको खिलाते क्या हैं। तो मार्केट में फिश के लिए अलग अलग तरीके से इनके फीडिंग फूड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको दाने कितने बार देती हूँ। तो मैं पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ दो बार देती हूँ, क्योंकि मेरी मछलियाँ दो हैं और ये छोटी हैं, तो इसलिए मैं सुबह चार दाने और रात को चार दाने देती हूँ, बस इतना ही करना है ना। तो दोस्तों, फिश को अगर आपको अच्छे से फीड कराना है ना, तो आप उसमें से ही थोड़ा पानी ले लीजिए इस तरीके से बाउल में। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं चार दाने देखिए डाल रही हूँ जो ये फ़िश फूड है। बस इसको हम थोड़ा 5-10 मिनट रख देंगे। जब ये फूल जाएंगे दाने, तो आपको इसको पानी में इस तरीके से डालना है। इससे क्या होता है कि मछलियों को खाने में भी इजी होता है और वो बहुत जल्दी इसे पसंद करने लगती हैं, और उन्हें आपकी ये फ्रेंडशिप बहुत पसंद आती है और वो जानती हैं कि आप इनको फीड कराने वाले हैं। तो आपको कैसे लगी मेरी ये जानकारी, जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैंने कहीं गलती कह दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।